हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। आइए दोस्तों, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, और आपको बताना है कि बारबेरियन की स्पेलिंग कौन सी सही है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत ही बढ़िया वर्ड एग्जाम के लिए, और आपको बताना है कि बारबेरियन की स्पेलिंग कौन सी सही है। ए बी सी डी चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आंसर होगा हमारा बी। बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य, ठीक है, जंगली, असभ्य, उसे कहते हैं बारबेरियन। तो बी नंबर की स्पेलिंग याद रखिएगा, एग्जाम में आता भी है। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी की स्पेलिंग तो बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो जिसमें इंग्लिश आती है, तो उसमें स्पेलिंग टेस्ट से जुड़े क्वेश्चंस जरूर होते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है, ठीक है। ऑक्सिलरी की सही स्पेलिंग कौन सी सही है, तो इसकी जो सही स्पेलिंग है वो है हमारा ए, जिसका हिंदी होता है सहायक, ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कैवेलरी, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कैवेलरी की स्पेलिंग कौन सी सही है आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही आंसर है वो है हमारा सी, कैवेलरी, जिसका हिंदी होता है घुड़सवार सैनिक लोग, ठीक है, घोड़े पर बैठे सैनिक लोग को कैवेलरी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, चार नंबर में बताना है आपको कि कैसेट की स्पेलिंग कौन सी सही है। कैसेट, जिसमें आपने सुना होगा कि पहले लोग कैसेट में गाना सुनते थे, कैसेट में गाना होता था और वो बजता था, उससे आवाज़ आता था, तो कैसेट क्या होता है, कैसेट की स्पेलिंग कौन सी सही है, कैसेट, ठीक है, जैसे सीडी कैसेट, ठीक है, तो कैसेट की जो स्पेलिंग है वो है हमारा बी, सी ए एस एस ई टी टी ई, याद रखिएगा, कैसेट की स्पेलिंग है बी। कंफ्यूज भी कर रहा होगा लेकिन यही स्पेलिंग है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, आपको बताना है बैलून की स्पेलिंग कौन सी सही है, ठीक है ना, बैलून, तो इसकी जो सही आंसर है वो है हमारा सी, ठीक है। बैलून की जो सही स्पेलिंग है हमारा बी ए एल एल ओ ओ एन, बैलून, बैलून का हिंदी गुब्बारा होता है, ठीक है, और बाकी सारे स्पेलिंग्स गलत है यहाँ पे, इसलिए हमारा आंसर होगा सी, ठीक है। छः नंबर की बात करेंगे हम लोग, इफेमिनेट की स्पेलिंग बतानी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, इफेमिनेट की जो सही स्पेलिंग है वो है हमारा बी, इफेमिनेट, जिसका हिंदी होता है नारी जैसा या स्त्री जैसा, ठीक है, खासतौर से किसी पुरुष के लिए ये यूज़ किया जाता है, जैसे कोई पुरुष है लेकिन उसका जो व्यवहार है वो एकदम स्त्री जैसा है, लड़की जैसा है, तो हम उसे कह सकते हैं इफेमिनेट, ठीक है, स्पेलिंग याद रखिएगा इफेमिनेट। अगला जो वर्ड है हमारा स्पेसिमेन, बताना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है स्पेसिमेन की, तो स्पेसिमेन की जो सही स्पेलिंग है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही स्पेलिंग है हमारा बी, स्पेसिमेन, जिसका हिंदी होता है नमूना, ठीक है, या एग्जांपल। अगर आप किसी भी चीज़ को, जैसे आप मोबाइल खरीदते हो, तो मोबाइल खरीदने से पहले अगर आपको कोई वो नमूना दिखाता है, कोई भी सिंपल नमूना कोई दिखा रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं स्पेसिमेन, ठीक है। तो स्पेसिमेन का मतलब नमूना या उदाहरण कह लो उसे, स्पेसिमेन। और आपको बता दें कि स्पेसिमेन का बहुवचन अगर आपसे कोई पूछता है तो स्पेसिमेन्स होता है, ठीक है, स्पेसिमेन्स। ओके, अगला प्रश्न हमारा, बताना कि आपको कि कौन सी स्पेलिंग सही है। इनफ्लेमेबल, सुना होगा ये वर्ड, इनफ्लेमेबल, किसका हिंदी होता है ज्वलनशील, जो जल सके या जो जलता हो, ज्वलनशील, तो इसकी जो सही स्पेलिंग है, सही स्पेलिंग है सी हमारा, ठीक है, आई एन एफ एल ए एम एम ए बी एल ई, ज्वलनशील, इनफ्लेमेबल। नौ नंबर में जो सही स्पेलिंग है एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ही जरूरी, अति आवश्यक, आवश्यक, नेसेसरी, तो जो सही ऑप्शन है वो है हमारा एसेंशियल का सही स्पेलिंग ए, ठीक है, एसेंशियल, याद रखिएगा स्पेलिंग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, काउंसलर की स्पेलिंग बताना है, ए बी सी एंड डी, काउंसलर की सही स्पेलिंग क्या है, जिसका हिंदी होता है परामर्शदाता, जो परामर्श देता हो उसे काउंसलर कहते हैं। इस क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो, क्योंकि कहीं कहीं आपको ये वाली स्पेलिंग दिखाता है और कहीं कहीं ये वाला दिखाता है, वैसे सही दोनों है, ऐसे स्पेलिंग्स में कहीं कहीं डिस्टर्बेंस होता है, कहीं कहीं कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं ये ऐसा भी दिक्कत है कि कुछ अमेरिकन इंग्लिश होते हैं और कहीं कहीं ब्रिटिश इंग्लिश होती है, तो चूंकि हम अपने इंडिया में स्पेशली ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, इसलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश पर ही ध्यान दिया जाता है। तो काउंसलर जो है ना, ये अमेरिकन इंग्लिश है, और ये काउंसलर जो है ये डबल एल वाला, ये ब्रिटिश इंग्लिश है, तो जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसी पर हम जोर देते हैं, उसी को हम लोग सीखते हैं, तो हमारा जो सही आंसर होगा इसमें 10 में वो होगा बी। अगर बी ऑप्शन में नहीं होता तो हम ए लगा दिए होते, लेकिन
हमारे पास ऑप्शन है बी, तो काउंसलर की सही स्पेलिंग है CoUNSELLOR, काउंसलर, जिसका हिंदी होता है परामर्शदाता, इसलिए आप आंसर लगाइएगा बी। अगर बी ऑप्शन में नहीं होता तो आप ए लगाते, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में बी भी है इसलिए हम बी ऑप्शन लगाएंगे, काउंसलर। ठीक है, अब आपके लिए सवाल है, अगर आप ग्रामर की स्पेलिंग जानते हैं, ग्रामर आपने नाम सुना होगा व्याकरण, अगर आप ग्रामर की स्पेलिंग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अक्सर लोग ग्रामर की स्पेलिंग में कंफ्यूज रहते हैं, तो एक बार आप अगर आपको पता है तो आप ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।